नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में भारत में जल प्रबंधन बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ी। आज हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है भारत में कृषि। भारतीय कृषि को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कृषि क्या होती है। तो कृषि वानस्पतिक फसलों का उत्पादन, वानस्पतिक फसलों का उत्पादन क्या है, कृषि कहलाती है। इसके अंतर्गत हम बहुत सारी अनेक प्रकार की फसलें है उत्पादित करते हैं, जिसमें चारे की भी होती है, खाद्यान्न की भी होती है, व्यापार की भी होती है, वही क्या है, कृषि है। और ये जलवायु आधार पर और भूमि के ऊपर निर्भर करती है। अब बात करते हैं मेन बिंदु, भारतीय कृषि। तो भारतीय कृषि के अंतर्गत देखें तो भारत है वो आरंभ से ही कृषिगत अर्थव्यवस्था वाला देश है। कहने का मतलब अधिकांश जनसंख्या है वह भारत की कृषि क्षेत्रों में या कृषि कार्यों में संलग्न है। और इसके पीछे कारण है कि भारत का जो किसान है वो अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। 68% जो जनसंख्या है भारत की वो कहाँ निवास करती है, गाँव में निवास करती है। और गाँव में जो आजीविका का मुख्य स्रोत है वो दो स्रोत है, एक तो क्या पशुपालन और एक क्या कृषि। और जो पशुपालन है वो भी किस पर निर्भर है, कृषि पे, क्योंकि वहाँ से उनको चारे की फसलें आदि प्राप्त होती है। तो अधिकांश तो देखें तो गाँवों में जो लोग हैं वो कृषि कार्य करते हैं, वो मुख्यतः जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। और यहाँ पर वो लोग परंपरागत तकनीकियों से क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये लोग हैं वो व्यापारिक आधार पर कृषि कार्य करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या है भाई, कृषि है। और कृषि के आधार पर लोग अपनी आजीविका को प्राप्त करते हैं, अपने जो सामाजिक जीवन है उसमें स्थिति में सुधार लाते हैं, और अपने जितने भी कार्य हैं उनके ऊपर वह कृषि क्षेत्रों का प्रभाव देखते हैं। अब बात करते हैं भारत के अंदर जो कृषि स्रोत है वो किस प्रकार से है। तो 2011 के अनुसार 48.9% जो लोग हैं वो किस पर निर्भर हो रहे हैं, 9% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कितनी, 48.9% जनसंख्या किस में संलग्न है, कृषि कार्यों में। तथा जीडीपी में 2012-13 के आंकड़ों के अनुसार कृषि कार्यों में जीडीपी की संलग्नता है। कृषि कार्यों के अंतर्गत देखें तो जीडीपी में जो संलग्नता है वो मात्र 13.7 है। कितनी है, 13.7 है। यहाँ एक प्रश्न आता है कि वर्तमान में भारत में जीडीपी के अंदर कृषि का योगदान कम हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्रों में दबाव बना हुआ है, बना हुआ है। रीजन क्या है इसका, कि जीडीपी में योगदान कम हो रहा है और कृषि क्षेत्रों में दबाव बढ़ा हुआ है। इसका रीजन है कि जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है वो पहले 72 था, आज 2011 के साथ देखें तो 68 है। तो ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें कम परसेंटेज, कम बदलाव आया है। जबकि हम देखें कि जो गांव में लोग थे वो धीरे धीरे शहरों की ओर प्लान कर रहे हैं, केवल किसके लिए, रोजगार के लिए। और रोजगार के लिए प्लान कर रहे हैं तो जैसे गांव घर में 10 सदस्य, 10 में से 2 सदस्य चले गए रोजगार के लिए बाहर। अब वो जो आमदनी लाएंगे दूसरे व्यवसाय से, और यहाँ जो लोग आमदनी प्राप्त कर रहे हैं कृषि से,
इस कृषि की आमदनी की तुलना में बाहरी आमदनी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस कारण कृषि क्षेत्रों पे दबाव तो क्या है, बना हुआ है, यानी लोग निर्भरता तो बनी हुई है, लेकिन जीडीपी में योगदान क्या हो गया, कम हो गया। इसी रूपरेखा को हम देखें तो 1950-51 में, 1950-51 में देखें तो लगभग जीडीपी में कृषि का योगदान 53.1% था, और अभी अपन जो लेटेस्ट आंकड़ों में देखें तो 1999 में देखें तो ये लगभग 26.5% और वर्तमान में देखें तो लगभग ये 17.5% जो जीडीपी का योगदान, कृषि क्षेत्रों का योगदान जीडीपी में है। तो लगातार कृषि क्षेत्रों का जीडीपी में योगदान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसका सीधा सा रीजन है अन्य क्षेत्रों में लोगों का संलग्न होना। अब बात करते हैं कृषि के दौरान भारत की लगभग 51% भूमि जिसको हम कृषि कार्यों में संलग्न रखते हैं, यानी लगभग 51% भूमि हमारी कृषि कार्यों में संलग्न है और बाकी भूमि आवासीय और अन्य क्षेत्रों में संलग्न है। भारत में हम भारतीय कृषि को विभाजित करें तो भारतीय कृषि की जो फसलें हैं उनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले जलवायु के आधार पर, और दूसरा उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर हम इसको विभाजित कर सकते हैं। उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर जलवायु के आधार पर देखें तो भारतीय कृषि को तीन कृषि ऋतुओं में, जलवायु को यहां हम ऋतु आधार बोल सकते हैं, तो भारतीय कृषि को तीन कृषि ऋतुओं में डिवाइड किया गया है, रबी, खरीफ, जायद। देखते हैं रबी की फसल ऐसी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोए और आपके मार्च अप्रैल में काट लें, मार्च अप्रैल में काट लें, तो वो कौन सी है, आपकी रबी की फसल है। इस फसल के लिए हम बात करें तो वर्षा का तो कोई रूप है नहीं, तो वर्षा के लिए क्या है, आपकी जो मावट होती है या शीतकालीन वर्षा होती है या पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है वो इसमें मुख्य रूप निभाती है। इसके अलावा बात करें तो ये फसल है, इसे हम रबी की फसल को उनाड़ों की फसल बोलते हैं क्योंकि ये लगभग मार्च अप्रैल में काटी जाती है, और इसके दौरान देखें तो आपके गेहूं, जो सरसों, चना, ये मुख्य फसलें आती है। दूसरी बात करें खरीफ, तो खरीफ की जो फसल है ये अपने वर्षाकालीन क्षेत्र में यानी वर्षा काल में बोई जाती है। इसके अंतर्गत देखें तो यह जून जुलाई में बोई जाएगी और दीपावली के लगभग अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इस फसल के लिए देखें तो मानसूनी वर्षा जो है वो महत्वपूर्ण रूप निभाती है और
मानसून दोनों की बात है, इस रूप में सीमित सोब या मानसून जो दोनों न हो, तो दोनों में क्या करनी पड़ेगी, सिंचाई। और सिंचाई हमने पढ़ी है कि फसल की रक्षा करने के लिए या फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जल की आपूर्ति करना ही क्या है, सिंचाई है, ये पढ़ा हमने। तो मानसून जो है उसके ऊपर निर्भर है। इसके अलावा हम देखें तो फसलों में देखें तो आपके बाजरा है, दालें हैं विभिन्न प्रकार की, कपास है, ये मुख्य रूप से इसमें बोए जाते हैं। इसके अलावा हम देखें जायद, तो जायद जो है वो वैसे देखें तो सब्जियों की फसल है, और ये है मार्च अप्रैल में बोकर इसको हम जून जुलाई में काट लेते हैं। क्या क्या आते हैं, तरबूज या खरबूजा जो भी है, या सब्जियां, जितनी प्रकार की सब्जियां हैं वो किस में आती है, जायद में आती है। अब हम बात करें कि जिन क्षेत्रों में जल का अभाव नहीं है, सिंचाई है, उन क्षेत्रों में तीनों प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती है। सिंचाई अगर है जहाँ जल का अभाव नहीं है वहाँ तीनों प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती है। जो क्षेत्र वर्षा निर्भर है वहाँ यही फसल उत्पादित की जाती है। और भारत के अधिकांश भागों में केवल वर्षा निर्भर होने के कारण वर्षा आधारित फसलों का उत्पादन किया जाता है। और वर्षा कभी ज्यादा आती है कभी कम आती है, इसलिए भारतीय कृषि को एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है मानसून का जुआ हम कहते हैं। और कौन सी कृषि को, भारतीय कृषि है। उद्देश्य क्या था, फिर तो हम उसको तीन भागों में बांट सकते हैं। पहले अगर उद्देश्य खाद्यान्न है तो खाद्यान्न फसलें, उद्देश्य व्यापार है तो व्यापारिक फसलें, अगर उद्देश्य है कोई बागाती क्रिया है तो उसमें बागाती फसलें बोल सकते हैं। व्यापारिक फसलों को हम मुद्रा दायनी फसलें बोलते हैं, मुद्रा दायनी फसलें। खाद्यान्न जैसे हैं आपके गेहूं, बाजरा, चावल, जो ये सारे क्या हैं, खाद्यान्न फसलें हैं। व्यापारिक फसलें या मुद्रादानी फसलों में देखें तो आपके जूट है, कपास है, तंबाकू है, ये किसमें आएगा, व्यापारिक या मुद्रादानी फसलों में। और तीसरा है बागाती, जिसमें आपके चाय है, कॉफी है, रबड़ है, ये किसमें आएगी, बागाती में। इसके अलावा हम बागाती ही फसलों में देखें तो कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें हम कई प्रकार के सब्जियां या कई प्रकार के फलों का उत्पादन भी करते हैं। तो हमने जलवायु के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर जो फसलें हैं उनका विभाजन देखा, रबी, खरीफ और जायद। रबी को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है, मावट विशेष होती है। गेहूं जो सरसों आदि जून जुलाई में बोया जाता है, मानसून पर निर्भर है, बाजरा दालें आदि। और सब्जियां है जो दोनों फसलों की खरीफ और रबी के बीच में जाया जाती है, खरीफ और रबी के बीच में क्या आती है, जाया जाती है। इसको यूं भी याद कर सकते हैं कि भी दीपावली के बाद में बोते हैं और होली के आसपास काट लेते हैं, ये वर्षा आती है तब बोते हैं और लगभग दीपावली के पास काटते हैं, और ये दोनों के बीच में। ये उद्देश्य है कि कौन सी फसलें, अगर खाना उद्देश्य है, बेचना उद्देश्य है, या बागान क्रिया करना उद्देश्य है, तो उस प्रकार से ये विभाजित की जाती है। इसके बाद हम भारत की प्रमुख फसलों को देखते हैं, जिसमें पहले हम खाद्यान्न फसलों को देखेंगे। हमारे कोर्स में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा, ये चार प्रमुख फसलें हैं। आज हम
सबसे पहली फसल जो गेहूं है उसके बारे में देखते हैं। तो गेहूं की बात करें तो भारत का पहला खाद्यान्न है वो चावल है, और भारत का दूसरा खाद्यान्न है वो कौन सा है? गेहूं है। क्योंकि चावल है वो भारत के अधिकांश भाग है उनमें चावल खाद्यान्न के रूप में काम ले लेता है, और केवल उत्तर और मध्य भारत के दौरान उत्तर और मध्य भारत में ही केवल गेहूं का उत्पादन और गेहूं का प्रयोग खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम देखें जो गेहूं जो फसल है, गेहूं के लिए क्या क्या हमें आवश्यकता है। सबसे पहले इसकी भौगोलिक दशाओं को देखते हैं। तो गेहूं जो है उसके लिए हम तापमान की बात करें तो गेहूं एक समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, और तापमान की हमें कम आवश्यकता है, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की हमें आवश्यकता है, जिसमें 10 डिग्री लगभग बोते समय और बढ़ते समय 15 डिग्री के लगभग, और 20 से 25 डिग्री जो है वो हमें काटते समय तापमान की आवश्यकता पड़ती है। हम वर्षा की बात करें तो 75 से 80 सेंटीमीटर या लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर अगर वर्षा होती है तो ये फसल है उत्पादित हो सकती है। और लगभग इसमें क्या है कि भारत में मावट के ऊपर ये फसल निर्भर है, और मावट अगर नहीं होती है तो इस फसल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। और लगभग वो क्षेत्र जहाँ पे भौमजल या सतही जल की प्राप्ति है उन्हीं प्रदेशों में अधिकांश भागों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। मृदा की बात करें तो मृदा हल्की दोमट और चिकनी मृदा चाहिए, हल्की दोमट और चिकनी मृदा चाहिए। और हम बात करें कि उत्पादन, तो उत्पादन की बात करें तो देश जो है विश्व के अंदर उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ देखें तो विश्व के अंदर चीन है जो सर्वाधिक उत्पादन करता है, 13.31% के लगभग पूरे विश्व का भारत उत्पादन करता है। भारत के अंदर देखें तो भारत का जो उत्तर मध्य भाग है, नॉर्थ सेंट्रल जो प्रदेश है, नॉर्थ सेंट्रल प्रदेश, यहाँ पर मुख्यतः चावल उत्पादन होता है, और गेहूं उत्पादन होता है, और गेहूं उत्पादन करने वाले राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का उत्तरी भाग, यूपी, और ये आपका थोड़ा सा भाग इसका बिहार का, और मध्य प्रदेश का भाग, तो मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और बिहार, इन प्रदेशों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अब हम इसमें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का गंगानगर हनुमानगढ़ जो जिला है उसमें इसका उत्पादन किया जाता है। पंजाब और हरियाणा इन दो प्रदेशों के अंदर देखें तो हरित क्रांति जो आई थी, हरित क्रांति के अंदर दो फसलें थी, चावल और गेहूं। तो हरित क्रांति के दौरान जो फसल थी गेहूं, इसके अंतर्गत पंजाब और हरियाणा सर्वाधिक उत्पादन करता है, पंजाब में और हरियाणा में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है, और पंजाब जो है वो गेहूं का प्रति हेक्टर उत्पादन भी क्या करता है, सर्वाधिक करता है। प्रति हेक्टर उत्पादन सर्वाधिक करने वाला भी कौन है? पंजाब है। और पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य है जो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। और ये उत्पादन कब से आरंभ हुआ? ये हरित क्रांति के बाद ये आरंभ हुआ, 66-67 के बाद ये आरंभ हुआ। हरित क्रांति के कारण इन दो ही राज्यों में इन फसलों के उत्पादन का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी किसकी पूर्ति थी? जल की पूर्ति थी। इस कारण से यहाँ पे उत्पादन किया जाता था। तो समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये आपके बिहार और पंजाब, ये राज्य है जहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में मुख्यतः गंगानगर, हनुमानगढ़ है, कुछ भाग कोटा है, इधर आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर भी ये उत्पादन किया जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे चावल नेक्स्ट वीडियो के अंदर।